हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट, और इस टाइम चल रहा है ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट में आज बना रहे हैं हम लोग सूजी का हलवा, क्योंकि बच्चे ना घर पर हैं और बच्चों का आज ये खाने का मन था, तो मैंने सोचा कि चलिए बनवाती हूँ थोड़ा सा। तो सूजी का हलवा आई थिंक सब लोगों के घर पर बनता है, और इसी तरीके से बनता होगा जिस तरीके से हम लोग बना रहे हैं। पहले हम लोग सूजी को भूनेंगे देसी घी के साथ, और उसके बाद में नॉर्मली जिस तरीके से हलवा बनता है उस तरीके से बना लेंगे, जो भी हमें इसके अंदर ड्राई फ्रूट वगैरह डालना होता है। तो मेरी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो आप लोगों को मतलब मेरी आवाज़ में ना चेंज लगेगा, क्योंकि ना तबीयत सही नहीं हो रही है। और मैं आपको बता दूँ, कल खुशी का बर्थडे था 24 फरवरी को, तो मैंने वो वीडियो डाली ना, तो उसमें मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी, क्योंकि तो उसमें ना मैं जनवरी बोल रही हूँ, मतलब 24 जनवरी बोल रही फरवरी को। तो ऐसा नहीं है, जनवरी में नहीं था, फरवरी में था, तो वो ऐसे ही हो गया कि काफ़ी डिस्टर्ब थी लाइफ जो है ना, काफ़ी इस टाइम पर डिस्टर्ब चल रही है। क्यों चल रही है वो मैंने उस ब्लॉग में आप लोगों को बताया था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो खुशी का बर्थडे ब्लॉग, तो आप लोग बिल्कुल देखिएगा एक बार, आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आई है। तो बस यही सब कुछ चल रहा है, और अब बच्चों के लिए आज बन रहा है ये हलवा, और हम लोग जो हैं वो ब्रेकफास्ट करेंगे आज हलवे का ही। उसके बाद जाऊंगी मैं नीचे पार्लर में, क्योंकि पार्लर में भी आजकल ना बहुत ज़्यादा काम है। दिक्कत ये है कि स्टाफ भी छुट्टियां कर रहा है, क्योंकि ना सब लोगों के यहाँ पे, किसी के यहाँ पे कोई शादी है, कभी कुछ है कभी कुछ है, क्योंकि ये वेडिंग सीजन है, तो जो बच्चे जॉब करते हैं उन लोगों के यहाँ पर भी इस टाइम पर चल रही हैं शादियाँ, तो वो वहाँ पर जाना भी ज़रूरी है, तो काफ़ी जो है वो स्टाफ कम आ पा रहा है, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है नीचे, तो वो काम भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए कितना यम्मी यम्मी हलवा जो है वो बनकर तैयार है, और मैं हलवे के ऊपर से ना थोड़ा सा देसी घी डलवाती हूँ पूरा हलवा बनने के बाद, तो उससे क्या होता है ना, हलवा बहुत बिखरा बिखरा और बहुत अच्छा सा लगता है, और बहुत अच्छी देसी घी की खुशबू आती है। आप लोग भी बताना कि आप लोग भी इस तरीके से करते हो क्या। तो मैं जो हूँ वो एक चम्मच देसी घी ऊपर से डलवाती हूँ ज़रूर, मुझे ऐसे ही पसंद आता है। तो बस देखिए इस तरीके से हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल तैयार है, और अब बच्चों को हम लोग ये दे देंगे और वो लोग खा लेंगे। उसके बाद जाऊंगी मैं पार्लर में, और पार्लर का तो मैं आप लोगों को आज ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाऊँगी, और जितना भी ब्लॉग मैं आप लोगों को दे पा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम ना बिल्कुल भी नहीं है इस टाइप की हालत के मैं टाइम से ब्लॉग दे पाऊँ आप लोगों को, बट फिर भी दे रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को पसंद आए ये ब्लॉग, क्योंकि ना मेरे यहाँ की कुकिंग रेसिपी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो मैंने शेयर की है आपके साथ आज भी। और मैं अभी दोपहर का जो हम लोगों ने खाना बनाया था आज, येलो राइस बनाए थे, मतलब तायरी जिसको बोलते हैं घर पे, सब लोगों के यहाँ पे आई थिंक तायरी बोलते हैं उसको, पीले चावल तायरी येलो राइस यही सब नाम होते हैं उसके, तो वो बनाई थी, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं मैं आ गई हूँ पार्लर में, और पार्लर में एज़ यूज़ुअल जो भी काम चलते रहते हैं वो सब चल रहे हैं।
अब बन रही है तायरी। तो तायरी जो है वो हम लोग कुकर में बनाते हैं, ज़्यादातर सब लोग कुकर में ही बनाते होंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो सरसों के तेल में प्याज वगैरह को भून लिया है, टमाटर वगैरह कट कर लिया है, और जो भी वेजिटेबल आप लोगों को इसके अंदर डालनी होती है वो सारी वेजिटेबल आप लोग इसके अंदर डाल लीजिए। मसाले डाल लीजिए, जो भी मसाले डालने होते हैं, हल्दी, मिर्च, नमक, धनिया, ये चीज़ें सारी डल जाती हैं इसके अंदर। और वेजिटेबल में आप कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब कि मेरे यहाँ पर गाजर वगैरह नहीं खाते बच्चे, तो मैं गाजर वगैरह नहीं डालती हूँ, तो मैं मटर, आलू, गोभी, ये सब चीज़ें डालती हूँ। बट आप इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, काफ़ी टेस्टी लगती है। और बस इसी तरीके से हम लोग इसके अंदर वेजिटेबल डाल के फ्राई करेंगे इसको हल्का सा, उसके बाद में इसमें चावल डाल देंगे, और उसके बाद इसको कुकर में पानी डाल के थोड़ा सा चावलों के हिसाब से, और जो है वो ढक्कन लगा देंगे कुकर का। तो एक या दो सीटी में तायरी जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। और मेरे घर पर तो बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ासतौर से मेरे बेटे को येलो राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो हफ्ते में कम से कम दो बार इसको ज़रूर बनवाता है। तो और आई होप सबको ही पसंद आता है। और इसके साथ में ना हम लोग लेते हैं हरे धनिए की चटनी, वो मैं सिल पे पिसवाती हूँ। कुछ लोग, मैं जब सिल पे चटनी पिसवाती हूँ तो मुझे बोलते हैं ये बात कि मैम आप मिक्सी ले लीजिए, ये ले लीजिए। देखिए मेरे पास ना सारी चीज़ें हैं, बट क्या होता है ना, हम लोग जो है वो मिक्सी की पिसी हुई चटनी नहीं खाते मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी, क्योंकि ना नहीं आता, वो टेस्ट ही नहीं आता है उसमें। उसमें जो आएगा ना वो आपको सिल की पिसी हुई चटनी का ही टेस्ट बहुत अच्छा होता है। कभी आप लोग भी करके देखिएगा, क्योंकि इसी तरीके से जब हम लोग चटनी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। तो देखिए अब ये हम लोगों ने इसके अंदर पानी डाल दिया है चावल के हिसाब से, आपको कितना बिखरा बिखरा चाहिए उस हिसाब से हम लोगों को डालना होता है। और बस कुकर का ढक्कन लगा दिया है, और अब दो सीटी के बाद ये बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और आज आप लोग देख सकते हैं मौसम ना बहुत ज़्यादा मतलब बारिश वाला है, लेकिन हुई नहीं थी बारिश, हल्की हल्की रात में हुई थी, सुबह में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट मतलब मौसम था आज ऐसा ही। और अब आप देख सकते हैं मैं पिसवा रही हूँ सिलपट चटनी, और चटनी जो है वो हम लोग धनिया, मिर्ची और बस नमक, ये दो चीज़ों के साथ में चटनी पीसते हैं, तीन चार चीज़ों के साथ में। मतलब हम इसमें ना कुछ लोग लहसुन डालते हैं, कुछ लोग प्याज डालते हैं, बट हम लोग ऐसा कुछ नहीं डालते, हम लोग सिर्फ धनिया, मिर्ची और नमक के साथ में चटनी पिसवाती हूँ मैं। और इस चटनी के साथ में जब हम लोग खाते हैं येलो राइस तो वाह बहुत टेस्टी लगते हैं। और आज बच्चे क्योंकि घर पर हैं तो चल रहा है बच्चों का भी शैतानी वाला काम, तो ध्रुव जो है वो अपना कुछ गेम वगैरह खेल रहा था अभी धरी, क्योंकि ये जो हमारी सिल है ना ये हमारे बाहर छज्जे पे रखी हुई है, मतलब जो हमारी बालकोनी है उसके उसमें रखी हुई है, तो ये बाहर आके हम लोग चटनी पीसते हैं, और ये वहीं पे रखी रहती है। और मसाले वगैरह जो सब्ज़ी में डालने के लिए पीसते हैं वो भी हमारे यहाँ पर सिल पर ही पीसते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पीसते हैं, और ध्रुव गेम खेल रहा है इस टाइम अपना। तो हम लोग ना हमारे छज्जे पे काफ़ी स्पेस है, तो वहाँ पर बच्चे खेलते भी रहते हैं, मतलब इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, इतना कम भी नहीं है, इस तरीके का गेम वहाँ पर खेला जा सकता है बहुत आराम से। और ध्रुव जो है वो अपना यहाँ पे खेल रहा है, दीदियाँ जो हैं उसकी वो चटनी पीस रही हैं, जो हमारे यहाँ पे हाउस हेल्पर है जो हमारी कुकिंग करती हैं वो चटनी पीस रही हैं। और सिलपट चटनी पीसने के बाद बहुत अच्छी लगती है, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमारी चटनी जो है वो पीस कर आ गई है। आज मैं आपके साथ एक होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, और उसको करने के बाद आपकी स्किन काफ़ी वाइटनिंग और ब्राइटनिंग की साइड आती है, और आपकी स्किन धीरे धीरे काफ़ी फेयर होने लगती है। उससे आपकी स्किन पर अगर डार्क सर्कल है उन पर भी फ़र्क पड़ता है, और अगर आपके पिगमेंटेशन वगैरह की भी प्रॉब्लम है तो उस पर भी फ़र्क पड़ता है। आप उसको डेली अपने फेस पर कर सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि सारे ही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हर्बल यूज़ किए गए हैं। आपकी स्किन पर कोई झाइयों वाली प्रॉब्लम, पिंपल वाली प्रॉब्लम या पिगमेंटेशन वाली प्रॉब्लम है तो उसको बहुत अच्छे से ठीक करती है। तो इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे बेसन, बेसन यूज़ करेंगे और कच्चा दूध यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच बेसन लिया है, और मैं इसमें दो चम्मच कच्चा दूध मिला रही हूँ, और मैं यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल। अगर आपके पास एलोवेरा जेल की रियल लीव हो तो आप उसमें से एलोवेरा जेल का गूदा निकाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग इस तरीके से, मैंने ये गुड वाइब्स का यूज़ किया है, और आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी कलर नहीं होता है इस जेल के अंदर, और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मुझे काफ़ी पसंद आते हैं गुड वाइब्स के प्रोडक्ट, तो ये मुझे एलोवेरा जेल बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ अपनी डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में, और अपने खुद के ऊपर भी मैं काफ़ी यूज़ करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमने ये तीन प्रोडक्ट के साथ में एक मिक्सर बनाया है, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे जेंटली, और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, कोई भी दाना इसके अंदर नहीं रहने देना है हमें, और बहुत अच्छे से हमें इसकी मिक्सिंग करनी है।
उसके बाद हम लोग इसकी एप्लीकेशन करेंगे। तो मैं जो आपको आज एप्लीकेशन करके दिखाऊंगी वो मेरे अपने पार्लर का एक स्टाफ का बच्चा है जिसकी स्किन पर मैं करके दिखा रही हूँ। तो उनकी स्किन पर आप देखेंगे कि हल्की फुल्की दाग धब्बों वाली प्रॉब्लम है। काफ़ी दिन से वो पहले से भी यूज़ कर रही हैं तो उनकी वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक भी हो गई है, बट फिर भी अगर वो और आगे इसको कंटिन्यू रखेंगी तो उनकी स्किन से जो भी दाग धब्बों वाली प्रॉब्लम है वो चली जाएगी। तो हमें जो ये पेस्ट बनाना है ये इतना थिक पेस्ट बनाना है जितना ये इस टाइम तैयार हो गया है, और आप लोग देख सकते हैं कितना बिल्कुल सॉफ्ट वाला बन के तैयार हुआ है, कोई भी इसके अंदर दाना आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। तो मिक्सिंग बहुत अच्छे से करें और अब इसकी करेंगे हम लोग एप्लीकेशन। तो आप लोग देख सकते हैं जिनके फेस पर मैं करके दिखाने वाली हूँ उनके फेस की जो कंडीशन है वो इस टाइम पे ये है। छोटे छोटे दाग धब्बे हैं, हल्के फुल्के डार्क सर्कल हैं। तो इस तरीके की स्किन पर भी हम लोग इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आपके बहुत ज़्यादा इस तरीके की प्रॉब्लम हो तो आप डेफिनेटली इसको यूज़ करिए। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है क्योंकि होम रेमेडी है, होम रेमेडी कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं देती है। बेसन हमारी स्किन को बहुत अच्छे से वाइटनिंग और ब्राइटनिंग की साइड लेकर जाता है। एलोवेरा एंटीसेप्टिक होता है जिसकी वजह से हमारी स्किन पर कोई भी अगर पिंपल वाली प्रॉब्लम है या एलर्जी वाली प्रॉब्लम है तो वो चीज़ ठीक होने लगती है। कच्चा दूध हमारी स्किन को मॉइस्चर देता है और हमारी स्किन पर काफ़ी अच्छे से हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो इस तरीके से हम लोगों के काफ़ी चीज़ें हैं जो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये काफ़ी अच्छी हैं हमारी स्किन के लिए। इस तरीके से हम लोग इनके फेस पर इसकी एप्लीकेशन करेंगे और इस एप्लीकेशन को हम लोग 10 मिनट इनके फेस पर छोड़ देंगे। तो 10 मिनट मैंने ये यूज़ कराई थी, 10 मिनट तक आप लोग जो है वो फेस पर इनके छोड़ें। डार्क सर्कल पे जहाँ तक आप लगा सकते हैं वहाँ तक लगा लीजिए, बाकी आप जहाँ नहीं लगाना है आँखों के बहुत ज़्यादा पास मत लेके जाइएगा, जहाँ तक भी आपको लग रहा है कि लगा सकते हैं वहाँ तक लगाइए। 10 मिनट बाद हमें इसकी हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है, हमें अपने फेस पर इसकी हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है इसको लगाने के 10 मिनट बाद। और हम लोग 2 या 3 मिनट इसकी मसाज करेंगे अपने फेस पर, हर उस पार्ट में हमें मसाज करनी है जहाँ पर भी हमारे इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आँखों के नीचे, माउथ के अराउंड और फोरहेड वगैरह पे हमारी स्किन काफ़ी अनइवन होती है, तो वहाँ पर हम इसको बहुत अच्छे से इसकी मसाज करेंगे। और उस मसाज को करने के बाद हम इनके फेस को वॉश करा देंगे नॉर्मल पानी से। अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो आप लोग हल्का सा गुनगुना पानी यूज़ कर सकते हैं, और गर्मियों में आप नॉर्मल पानी यूज़ कीजिए जैसा हमारे टैंक में आता है। तो उससे हमारी स्किन पर धीरे धीरे डार्क सर्कल ठीक होने लगेंगे, हमारी स्किन वाइटनिंग और ब्राइटनिंग की साइड आने लगेगी और हमारी स्किन पर जो भी दाग धब्बे हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।